कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त भामाशाह श्री प्रदीप जैन, तिजारा वाली, सरला जैन, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, धार्मिक निर्जरा सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार, कानपुर, पुत्री दामाद पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, घेवती दीवा जैन। जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाने जा रहे हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर कानपुर नगर में 6 फरवरी 2024 को हुए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के भव्य मंगल प्रवेश के अनुपम दृश्य। इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर की अगवानी में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम के मनमोहक दृश्यों का। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर कानपुर नगर में 6 फरवरी 2024 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। कानपुर नगर की ओर प्रस्थान करने से पूर्व पूज्य गुरुवर ने श्रद्धालुओं को अपना मंगल आशीष प्रदान किया। खुशी मनाओ, खुल गए भाग्य हमारे, मंगल गाओ, खुशी मनाओ, खुल गए भाग्य हमारे, परम पूज्य गुरु सुधा सागर जी द्वार हमारे पधारे, परम पूज्य मुनि सुधा सागर जी द्वार हमारे पधारे। आपका अभिनंदन मुनिराज, आपका वंदन है मुनिराज, आपका अभिनंदन मुनिराज, आपका वंदन है मुनिराज। जैसे जैसे गुरुवर के चरण कानपुर नगर की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। मंगल गाओ, खुशी मनाओ, खुल गए भाग्य हमारे, मंगल गाओ, खुशी मनाओ, खुल गए भाग्य हमारे, परम पूज्य गुरु सुधा सागर जी द्वार हमारे पधारे, परम पूज्य मुनि सुधा सागर जी द्वार हमारे। बैंड बाजों की ध्वनि के मध्य गंतव्य की ओर अग्रसर हो रहे गुरुवर सत्संग के समक्ष श्रद्धालु अपनी भक्ति भाव प्रकट करते हुए नजर आए। द्वार हमारे पधारे, आपका अभिनंदन मुनिराज, आपका वंदन है मुनिराज, आपका अभिनंदन मुनिराज, आपका वंदन है मुनिराज। इस दौरान श्रावक गुरुवर की अगवानी कराने के साथ साथ हाथों में धर्म ध्वजा लिए जैन धर्म की महती प्रभाव न करते हुए दिखाई दिए। स्वागत है मुनिराज, आपका स्वागत है मुनिरा, धन्य हुए हम दर्शन पाकर, धन्य हुए हम दर्शन पाकर, कृपा करिए आज आपका स्वागत है मुनिरा, आपका स्वागत है मुनिरा। कानपुर वासियों ने गुरुवर की भव्य अगवानी की। भक्तों ने जहां पूज्य गुरुवर के स्वागत में रंगोली बनाई, तो वहीं बैंड बाजों की स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते गुरु भक्ति का आनंद भी लिया। स्वीकार करो, शरण मिले लो अपनी हमको, हम पर ये उपकार करो, हम पर ये उपकार करो। भक्तगण गुरुवर की अगवानी करते हुए भवानीपुर स्थित वर्धमान इंडस्ट्री पहुंचे, जहां पूज्य श्री ने आसन ग्रहण किया। तदुपरांत श्राविका ने गुरुवर के समक्ष मंगलाचरण प्रस्तुत किया।
मंगलाचरण के पश्चात पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन हुए। पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को मार्मिक प्रवचन देकर नैतिक ज्ञान दिया। जिस जिस चीज में तुम्हें अनुभूति हो, धन दौलत में हो, धन दौलत में यदि तुम्हें अनुभूति हो कि मेरा अच्छा है, खाते पीते, सावधान, तुम्हें खतरा है, उन्हीं खतरे से बचाने के लिए कानपुर में ये पंच कल्याणक हो रहा है और मैं उसी के लिए आया हूं। जिनके अशुभ कर्म के उदय हैं उनके लिए नहीं आया हूं, क्योंकि उनको तो खतरा है ही नहीं। खतरा किनको है? जो अच्छे खाते पीते हैं, जो अच्छे हैं उनको कन्वर्ट करना है, उनको खतरा है। धनवान को खतरा है, गरीब को दान का उपदेश नहीं, अमीर को दान का उपदेश है, उसको खतरा है। इसके परिणाम बचाओ कि इसका धन पुण्य के उदय से, अपन ने पहले ही बना लिया, धन आया है तो किसके उदय से, बस नीचे नोट लगाओ, खतरा है। अब गुरु से मैंने पहले ही कहा था, जैसे आप कुछ गलत काम करते हो या कुछ, तो सीए के पास पहुंचे, साहब ये कलम कैसे एडजस्ट करें। ऐसा ही जब आपको पता चले कि मेरा बहुत अच्छा व्यापार धंधा है तो नीचे खतरा लिखा है, तुरंत गुरु के पास आओ, गुरु महाराज इसमें खतरा है, कैसे एडजस्ट करें। तो मैं कहूँगा तुरंत सीसा मऊ में मंदिर बन रहा है, उसका पंचनाक हो रहा है, एक कलम इधर एडजस्ट कर दो, फाइल पास हो जाएगी। तरीके, सीए एक तरीका निकालता है, कुछ टैक्स भरने की कहता है कि देखो इतना भर दो तो ऐसे ही, उधर टैक्स कहते हैं इधर दान कहते हैं, नाम बदल गया, सुरक्षा कवच तुम्हारे लिए बता दिया गया। एक बचने के बहुत सारे उपाय, ये सब तुम्हारे आत्म स्वभाव रूप धर्म नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में आने वाले संकटों से बचने के उपाय है। ये मंदिर, ये भगवान, ये पंच कल्याणक, हम साधु संत भी आपके बीच में आते हैं आपका कल्याण करने के लिए नहीं। बहुत बड़ी बात महाराज, महानुभाव, मोटिवेशन। जब तुम जिसको अपना कल्याण करना है वो साधु उसके पास नहीं जाता, वह साधु के पास जाता है। लेकिन जब सामने वाले की सुरक्षा करना है तो असुरक्षित व्यक्ति साधु के पास नहीं जाता, साधु ही असुरक्षित के पास आता है। बोलो इस समय तुम मेरे पास आए हो या मैं तुम्हारे पास आया हूं? तुम मेरे नगर में आए हो या मैं तुम्हारे नगर में आया हूं? बस समझ लेना, कोई ना कोई संकट निवारण होगा। कोई ना कोई साधु तुम्हारी तरफ आ रहा है, समझ लेना कोई बहुत बड़ी अचूक सुरक्षा मिलने वाली है, सुरक्षित होने वाला है, कोई ऐसा कवच बनने वाला है, कोई ऐसी घटना घटने वाली है कि जो व्यक्ति साधु को आता देख कर ये सोचे अब मेरी जिंदगी सुरक्षित है क्योंकि गुरु ने मेरी तरफ मुख कर लिया है, समझ लेना नरक और त्रियंच जैसे खतरनाक स्थानों के दरवाजे बंद कर देता है गुरु जब किसी की तरफ जाता है। मोक्ष जाने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। जितने लोग दीक्षा रहते हैं तो महाराज घर पे आते हैं कि वो शिष्य महाराज के पास जाता है, और अभी इस समय क्या हो रहा है, लगो ना तुम्हारे पास आ रहा हूं। किसके स्थान पर? प्रदीप जी की बात,
अच्छा प्रदीप भी मेरे पास आए हैं कि मैं प्रदीप की फैक्ट्री में आया हूँ? तुम मेरे पास आए हो कि मैं कानपुर आया हूँ? बोलो, इस समय मेरा प्रवेश कहाँ हो रहा है? कानपुर किसका है? जल्दी बोलो। तो अच्छा है कि बुरा है? इसलिए खतरा है, इसलिए तो चला है। प्रवचन उपरांत गुरुदेव की आहार चर्या हुई, जहां सौभाग्यशाली परिवार ने नवदा भक्ति पूर्वक मुनिवर को आहार कराया। चल कर स्वयं प्रभु आए हैं, आज हमारे द्वारे हैं, जिनके पावन दर्शन पाकर मिटते संग ते संकट सारे हैं। कोटि कोटि चरणों में नमोस्तु स्वीकारो मुनिरा, कोटि कोटि चरणों में वंदन स्वीकारो मुनिरा, ग्रहण कर रहे चौका गुरुवर धन्य हुए हम। आपका अभिनंदन मुनिरा, आपका वंदन है मुनिरा, आपका अभिनंदन मुनिरा, आपका वंदन है मुनिरा। धन्य करो जीवन हम सब का, स्वप्न करो साकार, धन्य करो जीवन हम सब का, स्वप्न करो साकार। पड़ गाहन पे आओ गुरुवर, ग्रहण करो आहार, धन्य करो। आहारचर्या के बाद श्रावक श्राविकाओं ने संगीतबद्ध वातावरण में आनंद विभोर होकर गुरु भक्ति का आनंद लिया। तदुपरांत श्रीमान प्रदीप जी जैन ने पूज्य गुरुवर को भवानीपुर स्थित वर्धमान इंडस्ट्री की कार्य प्रणाली को समझाया। जैसे कि मसाले खाने का तरीका लोगों का बहुत गंदा होता है, उन्होंने लिया मसाला यहाँ पे रख लिया, ये थूका नहीं, दूसरा फिर यहाँ दबा लिया, और वही सुपारी भी तेजी वाली होती है, सुपारी में अपने आप में तेजी होती है, और तो चंदन प्योर होता है, तो वो नुकसान ही दे रहा है। आदमी अगर वो खाए तरीके से, आदत किसी भी चीज की बेकार नहीं, अगर वो एक शौक की तरह खा रहा है कि खाने के बाद उन्हें दो दाने खा लिए वो ठीक है, लेकिन हर समय रखना और उसको थूकना ये गलत है। इसके पश्चात गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के आगामी विहार की जानकारी साझा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये कानपुर को पंचकरण किला, और उन्होंने निर्यापक मुनि श्री 108 सदा सागर जी महाराज ने कहा कि कानपुर का जाके पंचकरण संपन्न कराने का मुझे आदेश दिया। उन्हीं के आदेश के अनुसार मैं कानपुर की ओर आगरा से बुरावली होते हुए कानपुर के वाले आ गए हैं, और आज यहाँ हम आवाज मंदिर संपन्न कर रहे हैं। आज हम बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ, आज से ये उन्नीस सौ कार्यक्रम हुआ। आगामी 17 नवम्बर से 17 फरवरी से 22 फरवरी तक और हम सबको पूरे समाज को भी कहते हैं
और मीडिया पर भी करते हैं, सबको कहते हैं समाज वापस आ रहे हैं इस कार्यक्रम के जो सब देख करते हैं जैन धर्म के जो सिद्धांत है, जैन धर्म सिद्धांत का पालन है उसको वो प्रचारित करेंगे। जय जय आचार्य श्री अक्षर विश्वता के विराजमान है, उनके दर्शन की उनको बहुत आतुरता है, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्द पहुँचे वो कार्यक्रम को संपन्न करा करके, और उस दिन वह कानपुर में देख करके आनंदपुरी में देख करके वो वहाँ से डॉगर की ओर बिहार करने का ऐसा उनका है प्रोग्राम है, और पूरा जैन समाज उनको डॉगर कर तक पहुँचाएगा। प्रदीप भैया की फैक्ट्री में मुनिवर का निर्विघ्न हार संपन्न हुआ, हम सब बहुत उससे प्रफुल्लित हैं, ऐसे ही आहारचर्या होती रहे, ऐसे गुरुवार आते रहे, हम सबको आशीर्वाद देते हैं। तदुपरांत पूज्य गुरुवर ने भवानीपुर स्थित वर्धमान इंडस्ट्री से पुनः गंतव्य की ओर विहार प्रारंभ किया। इससे पूर्व श्रद्धालुओं ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं मंगल आरती कर उनका मंगल आशीष लिया। की सूरत पे मुनिवर दिल दीवाना हो गया, आपकी सूरत पे मुनिवर दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, मुनि पुंगव के कर के दर्शन, मुनि पुंगव के कर के दर्शन, दिल दीवाना हो गया, मुनि पुंगव के कर के दर्शन, दिल दीवाना हो गया, आपकी सूरत पे मुनिवर दिल दीवाना हो गया, आपकी सूरत पे मुनिवर दिल दीवाना हो गया। दर्शकों अभी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 6 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर कानपुर नगर में हुए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के मंगल प्रवेश के अनुपम दृश्यों का आनंद लिया। आपको बता दें कि जहां श्रावक श्राविकाओं ने गुरुवर की अगवानी में सहभागी बन धर्म लाभ अर्जित किया, तो वहीं उनको आहार कराकर अपना जीवन धन्य किया। दर्शकों इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही, हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त भामाशाह श्री प्रदीप जैन, तिजारा वाली सरला जैन, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन धार्मिक, निर्जरा सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार कानपुर, पुत्री दामाद पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, घेवती दीवा जैन,